फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। इसके लिए कढ़ाई में थोड़ी सी घी डाले, थोड़ी सी लहसुन कटी हुई डाले, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ी सी प्याज कटी हुई। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए सारी चीज़ें। इसको तब तक हमें अच्छी तरह से चलाते हुए इसको सारी चीज़ों को भूनना है। अब इसमें हम थोड़ी सी टमाटर कटी हुई डाल दिए, बारीक बारीक कटी हुई। इसको भी अच्छी तरह से भून लिए सब चीज़ों के साथ, प्याज और के साथ सारी चीज़ों के साथ। फिर जो हमने चावल पकी हुई थी उसको हमने इसमें कढ़ाई में डाल दिए। थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट डाले, थोड़ी सी वाइट सॉल्ट डाले, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाले। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लिए, अच्छी तरह से इस प्रकार मिलाए कि ताकि चावल टूटने नहीं चाहिए, चावल एकदम छिली छिली होना चाहिए। इस प्रकार सब चीज़ों को पका लिए और एक चम्मच हमने इसमें विनेगर डाल दिए। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पका लिए चावल को, और सारी चीज़ों को ये मेरी बन के तैयार हो गई। आप देख सकते हो ये रेडी है। यदि मेरी रेसिपी फ्रेंड्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। एंजॉय इट।